इसलिए पहली बात उसूल याद रखो बगैर मजीद तफसील में जाए हुए कि अल्लाह की शरीयत इसको पसंद नहीं करती कि दौलत को मुंजमद रखा जाए। वल्लदीन यकरिदून ज़हब वल फिद्दत थुम्म ला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह सयुतवक्कूना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सोने और चांदी को जाम करके खजाना बना के कंज बन के दीवारों में दफन करके ज़मीनों के नीचे तय करके गाड़ कर रख देते हैं, ऐसे लोग इन्हीं अपने उसी माल के ज़रिए उनको यौम क़यामत में सज़ा दी जाएगी अगर इन्होंने इसका हक अदा नहीं किया है। बस याद रखिए कि माल थोड़ा हो या ज़्यादा हो उसको हमेशा रोल करना चाहिए, गर्दिश करना चाहिए। दूसरी बात ये भी साफ मालूम होती है इन हदीस के पढ़ने से कि जो भी दौलत आपके पास आए उस दौलत को आप ऐसे मसरफ पर खर्च करें जिससे कोई आमदनी ना हो, ये कुछ पसंदीदा चीज़ नहीं है। या तो आखिरत की आमदनी होनी चाहिए या दुनिया की आमदनी होनी चाहिए, यानी उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें पैदावारी इस्तेदाद होनी चाहिए, उसमें अपने को बढ़ाने की सलाहियत होनी चाहिए। हमारे यहाँ आम तरीका क्या है मुसलमानों के यहाँ, दौलत तो हम कमाते हैं लेकिन शादियों पर 1.5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। शादी पर खर्च किया हुआ रुपया आपका कहाँ जाता है, वो फिना हो गया, ख़त्म हो गया। मकान उम्दा बनाने पर खर्च करना मुसलमान का पहला शौक है। मिडल ईस्ट में काम किया, घर गया, वहाँ पर उसको नुमाइश करना ज़रूरी है, लोगों के अंदर दिखावा करना ज़रूरी है, अपनी हैसियत दिखाना ज़रूरी है। और ये जाहिल समझता नहीं है कि ये दिखावा तेरे ना दुनिया में काम का है ना आखिरत में काम का है। अगर रसूल तेरे उस आला धरीन मकान में आए तो क्या कह के निकल जाएंगे, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह आखिरत ही का ऐश ऐश है, ये ऐश नहीं है। रसूल जब किसी बहुत अच्छे मकान को देखते तो यही कहते, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, ए अल्लाह आखिरत का ऐश ऐश है, ये ऐश ऐश नहीं है। रसूल को हम क्या करते हैं कि अपनी दौलत को एक ऐसे मसरफ पर खर्च करते हैं जिसको आखिरत में तो हमारे साथ जाएगा ही नहीं, दुनिया में 2-4 लोगों ने अगर गुजरते हुए देख के कहा कि वाह वाह फला साहब ने क्या अच्छा मकान बनाया है तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि कुछ लोग हसद शुरू कर देंगे आपसे, जलन शुरू कर देंगे और शहर में मुकाबला शुरू हो जाएगा। दूसरे लोग भी जिनके पास उतनी दौलत नहीं आप जैसा मकान बनाने की ख्वाहिश दिल में पालना शुरू कर देंगे, उनकी जिद्दोजहद का मरकज़ असल में रोज़ी का हुसूल या माशरे के लिए फलाह की और बेहतरी की तलब नहीं बल्कि उनके लिए ये हो जाएगा कि ऐसा मकान मैं कैसे बना लूँ, ऐसी कार मैं कैसे ख़रीद लूँ। मुझे याद है कि मैंने कोल फील्ड में एक दौरे पर मैं गया, फैजाब जिस स्टेशन में मुझे उतरना था, जब मैं वहाँ उतरा तो लोग इस्तकबाल को आए, बड़े जोश के साथ आए। उसके बाद एक साहब को बिल्कुल जैसे कोई दूल्हा होता है बारात में उस तरह आगे बढ़ाए हुए और एक नई चमचमाती हुई कार में उन्होंने मुझे बिठाया। साहब मालूम हुआ कि इन साहब की ये कार है, ले गए बड़ी ज़बरदस्त एक बिल्डिंग में, कई मंजिला मकान बहुत शानदार, वहाँ ले जाकर ठहराया। मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं था, वहाँ दौरे में जाता रहता था मैं, हो गया साहब। मालूम हुआ कि इन्होंने एक पूरी कोलियरी, पूरा एक कोल फील्ड इन्होंने ख़रीद लिया है और अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है, ये दिया बहुत कुछ ही ठीक है साहब। अगले साल जब मैं गया तो मैं तलाश कर रहा हूँ भाई वो हाजी अब्दुल लतीफ़ कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मालूम हुआ कि वहाँ जूतियों में बैठे हुए, जहाँ लोग जूते उतारते हैं वहाँ लोग बैठे हुए, पूरा मजमा हॉल में भरा हुआ है। किस्सा क्या हुआ, किस्सा ये हुआ कि जैसे ही अल्लाह ने आमदनी दी उन्होंने दो काम पहले किया, एक तो ये कि साहब अपने बैठ चढ़ने के लिए किराए पर लगाने के लिए वो 5 लाख की कारें खरीद लेते, ट्रक खरीद लेते, कोई बात नहीं थी। पहला काम ये किया कि जो शख्स पैदल चल के मेहनत करके कोलियरी में कोयला ढोकर रोजी कमाता था उसने पैसा आने बाद पहला काम ये किया कि नई कार खरीद ली, यानी पैसा बजाय प्रोडक्शन के पैसा चला गया कहाँ, जहाँ वो कंज्यूम हो जाए, जहाँ वो खर्च हो जाए, जिसका कोई वापसी ना हो, जिसका कोई समझिए कि रीसेल वैल्यू ना हो, किस्सा ख़त्म हो, न कोई प्रोडक्शन है, न कोई उससे नई पैदावार हो सकती है, न उससे वो कम से कम लगाई हुई पूंजी लौट सकती। दूसरा काम उन्होंने किया कि लाखों लाख रुपए से उन्होंने बिल्डिंग बना ली। तीसरे साल हुआ क्या, बैठ गई पूरा उनका बिजनेस बैठ गया। साहब हजरत क़ाज़ी साहब से मिलिए और फलां कीजिए और ये कार लेके आए हैं, और दूसरे तीसरे साल जब मैं जाता हूँ तो बेचारों को बैठने की जगह नहीं, अब कौन कदर करता है, कोई अब्दुल लतीफ़ या अब्दुल रहीम की कदर थोड़ी करता था, वो तो उस तिजोरी, उस पैसे और उस नई चमचमाती ही कार की इज्जत है लोगों। तो ये है हकीकत इस चीज़ की जो आप हासिल करते हैं दौलत के ज़रिए।
बजाय इसके अगर आप इस दौलत को, मुझे याद है ठीक उसी जमाने में एक दिन सफर कर रहा था तो एक बहुत बड़ा मारवाड़ी मेरे साथ सफर कर रहा था बस में। मैंने उससे जब तारुफ हुआ उसने कहा कि जी हाँ हजरत, हम लोग तो नस्ल दर नस्ल बस में सफर करते हुए गुजर कर देते हैं, हम लोग फला हाजी साहब नहीं है कि आज खरीदो और कल को कार जनाब खरीद ली, ये हम नहीं किया करते। मुझसे उसने खुद कहा उस मारवाड़ी ने, असल किस्सा ये आपको सुनाना था। तो मुझे ये अर्ज करना है कि साहब राहत आराम जरूर हासिल कीजिए, लेकिन राहत आराम की एक हद होती है, लग्जरीज की हद तक, फजूल की हद तक आगे चला जाना और अपनी कमाई हुई मेहनत और खून पसीने की इस मेहनत को ऐसी चीज़ों पर लगा देना जिससे कोई प्रोडक्शन हो, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मेरे दोस्तों, बहुत दर्द के साथ और इखलास के साथ आपसे कहता हूँ कि आप सब अल्लाह की मेहरबानी से कमाते हैं, लेकिन कभी हिसाब भी लीजिए कि साहब, और अपना माजी मत भूलिए कभी। जब आप यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए थे तो आप क्या थे, ये मत भूलिए। याद रखिए, इंसान को अपना माजी याद रखना इंसान की बड़ाई की दलील है, कभी ये छोटे होने की दलील नहीं है। जी जब अबू बकर उमर कह सकते हैं कि साहब हमने ये दौलत कमाई और वो दौलत कमाई, हमारे पास ये है, लेकिन एक दिन ऐसा था कि जब हम एक मामूली हकीर से टुकड़े के मोहताज हुआ करते थे। हज़रत साद बिन वक्कास का मशहूर वाक़ा है, एक बेहतरीन दस्तरखान गवर्नरी के ज़माने में उनके बिछा हुआ है और वो ज़ारो क़तार रो रहे हैं। लोगों ने कहा हज़रत क्यों रो रहे हैं, फरमाया कि भैया रो रहा हूँ मैं याद करके कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब में क़ैद थे, बाइकाट था हम लोगों का, मैं भी उस ज़माने मौजूद था, कई रोज़ हम लोग भूख से परेशान थे, एक कच्चा चमड़ा कहीं सूखा हुआ मिल गया, उसको पानी में भिगो भिगो के नोच नोच के हमने खाया था। वकुन तो साब असबाह, और सात में से मैं सात आदमियों ने उस छोटे से टुकड़े को खाया जिसमें मैं एक था। लकत तखरकत अशदाकुना, हमने पेड़ के पत्ते चिबा चिबा के खाए जिससे हमारे गलफड़े फट फट गए थे। ये पिछला वक्त याद कर रहे हैं सैयदना साद बिन वक्कास, इससे कोई तौहीन तो उनकी नहीं हुई। अगर आपने कभी पीठ पर कोई मोटिया ढोई हो, कपड़ा ढो कर बेचा हो, कोई ऐब की बात नहीं है, खुदा की कसम, रिज्क हलाल के लिए मेहनत और रिज्क हलाल के लिए गिरने वाला पसीना, ये मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों, बड़ी पाकीज़ा चीज़ है। उस एयर कंडीशन बिल्डिंग की राहत से जो माल हराम से हासिल हो, उस मज़दूर का पसीना कहीं कीमती है जो मज़दूर किसी धूप की शिद्दत के अंदर, पहाड़ियों के ऊपर और यहाँ वहाँ रेगजारों के अंदर अपने पीठ पर कपड़े के गट्ठर लेके घूमता है और हलाल रोटी कमाता है। क्यों ऐसा समझते हो, तसव्वुर दिमाग, मरूबियत निकालो। ये इंतहाई दर्जे की मरूबियत है कि रिज्क हलाल के लिए की हुई मेहनत को हकीर जानो और हराम माल से आसान आमदनी को अपने लिए तय्यब और पाक समझो और इज्जत की चीज़ समझो। इज्जत और जिल्लत का मेयार बदलो। इज्जत वो नहीं है जिसको लोग इज्जत समझते हैं, इज्जत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक इज्जत। अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि वल रसूलिहि वल मुमिनीन वलिल मुमिनीन, याद रखो इज्जत वो है जो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, अहले ईमान के लिए है। बस दोस्तों, आप मेरी इस मुखलिसाना दरख्वास्त को आज याद कर लीजिए कि रिज्क हलाल की तलब और हलाल रोज़ी को तलाश करना भी अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत है, और कभी भी अपने माजी को मत फरामोश कीजिए और हलाल रोज़ी तलाश कीजिए। जो कुछ अल्लाह यहाँ आज आपको अपने फजल व करम से दे रहा है, इसको अल्लाह की अमानत जानिए, अपनी ज़रूरत पर खर्च कीजिए और ऐसा प्रोडक्शन का इसको ज़रिया बनाइए जिससे आपके पूरे मुआशरे को इसको फ़ायदा पहुँच सके।